हाय गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेजी कुकिंग सिक्स में। आज हम बनाने वाले हैं राजमा जीरा राइस, जो कि बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो चलते हैं, हम बिल्कुल भी लेट नहीं करते हैं अपने राजमा और जीरा राइस बनाने के लिए। ये बहुत ही झटपट बन जाते हैं। तो मैंने लिए यहाँ पे 1 टी स्पून कसूरी मेथी, कुछ खड़े मसाले लिए हैं, 2 से 3 ग्रीन चिल्ली बारीक कटी हुई, और 2 टी स्पून गार्लिक का पेस्ट, 2 ऑनियन कद्दूकस किया हुआ, 2 टोमेटो तो प्यूरी बना लिया है, और 1 कप राइस और 1/2 कप राजमा जो मैंने रात भर पानी में सोख करके रखा था। इसको हमें डायरेक्ट ही बनाना है, इसको हम उबालेंगे नहीं। तो राजमा बनाएंगे पहले हम। राजमा बनाने के लिए हमने 3 से 4 टीस्पून ऑयल ले लिया है। अब ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गरम हो गया है, हमने डाल दिया वहां पे 1 टी स्पून जीरा। जीरा हल्का सा पक गया है, अब हम डाल दिए इसमें कुछ खड़े मसाले जो मैंने लिए थे। मैंने लिए थे यहाँ पे 1 तेज पत्ता, 3 से 4 लौंग, 1-2 इलायची, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का। इस सबको मिक्स कर देंगे। अब हम डाल दिए इसमें ग्रीन चिल्ली जो बारीक कट किया था मैंने, इसको हल्का सा भून लेंगे। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। अब हम इसमें डाल रहे हैं गार्लिक का पेस्ट, इसको हमें थोड़ा सा भून लेना है। अब हम डाल दिए इसमें अपने प्याज को जो मैंने कद्दूकस किया था, और इसको अच्छे से भून लेंगे। इसको हमें 2 से 3 मिनट तक भूनना था, ये हो गया है। अब इसमें हम डाल दिए कुछ मसाले। इसमें हम डालेंगे 1 टी स्पून लाल मिर्च, 1 टी स्पून हल्दी पाउडर, 2 टी स्पून धनिया पाउडर। इसमें 1 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और डालेंगे। तो सब इसमें हमने 2 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टी स्पून धनिया पाउडर और 1 टी स्पून हल्दी पाउडर डाला है, ये छोटा वाला टी स्पून है। मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हल्के हल्के लग गए हैं तले में, बट कोई बात नहीं। अब हम डाल रहे हैं इसमें टमाटर की प्यूरी, तो इसको भूनने में वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे सब। और हमारे जो मसाले तले में लगे हुए थे वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं, और अब तले में बिल्कुल भी मसाले नहीं लगे हैं। अभी हमें इसे अच्छे से भून लेना है, हमें तब तक भूनना है जब तक मसाले से ऑयल छोड़ ना दे। तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमने आईडी डाल रखी है। आप देख सकते हो मसाले हमारे पक चुके हैं,
क्योंकि ऑयल छोड़ दिया है। अब इसमें हम डालेंगे राजमा, राजमा को हमें 6 से 7 मिनट तक भूनना है मसालों के साथ। ये भून चुका है, अब इसमें हम डालेंगे पानी। हमने 2 कप पानी डाला है यहाँ पे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक को मिक्स कर लेंगे। और अब इसको कवर कर देंगे। हमें कवर करके 3 सीटियां लगानी है, 1 हाई फ्लेम पे और 2 लो फ्लेम पे। तो हमारे राजमा पक चुके हैं और हमारी कुकर भी ठंडे हो गए हैं। अब इसको हम खोल लेंगे। और आप देख सकते हो ये पक चुके हैं। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी, जो हमने लिया था उसको क्रश करके डाला है, और 1 टीस्पून गरम मसाला डाल दिया है। इसको हमें गैस के फ्लेम को ऑन करके डालना था। आप देख सकते हो साइड साइड में इसमें उबाल भी आ रहा है। तो अभी हमारे राजमा बनके रेडी हो गए हैं। आप चाहो तो राजमा को इसमें मिक्स कर सकते हो। अब हम बनाएंगे अपने जीरा राइस। जीरा राइस बनाने के लिए 2 टीस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे। अब डालेंगे इसमें जीरा 1 टीस्पून। तो जीरा हमने ज़्यादा डाला है क्योंकि हमें जीरा बहुत पसंद है। अब हमने इसमें डाल दिया 1 कप राइस, जो हमने लिया था उसको अच्छे से साफ करके डाल दिया है। और इसको हमें अच्छे से भून लेना है। तो ये भुन चुका है, इसमें हम डाल रहे हैं 1.5 कप पानी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसको कवर कर देंगे। और इसमें 1 सीटी आने तक का वेट करेंगे। अभी ये हमारे पक चुके हैं। ये कुकर ठंडा हो गया था, मैंने खोल दिया।
अभी सारे जीरा ऊपर आ गए हैं, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हमारे जीरा राइस बनके रेडी हो गए हैं। अब हम इसे सर्व करेंगे। मैंने एक प्लेट में राइस निकाल लिया है। अब हम राजमा डालेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून देसी घी, 7 टेबल स्पून। आप देख सकते हो राजमा चावल बनके रेडी हो गया है और मैंने सर्व भी कर दिया है। और ये बहुत ही टेस्टी बनी है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस।